नो वन कैन मोटिवेट यू अनटिल यू आर सेल्फ मोटिवेटेड। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव शर्मा है, MBBS फर्स्ट पॉप स्टूडेंट फ्रॉम GR मेडिकल कॉलेज ग्वालियर। तो फ्रेंड्स, आज मैं बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, डेट इज़ इकोलॉजी। इकोलॉजी फ्रेंड्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चंस रिलेट करके करंट अफेयर से भी पूछ लिए जाते हैं, हिस्ट्री से भी पूछ लिए जाते हैं, और बेसिक्स हमारी ज्योग्राफी से भी रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं, जिनमें बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन तो रहता ही है। तो इस टॉपिक को समझने के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, आपके पास एक बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, फैक्ट होने चाहिए। तो मैं ये पूरा ट्राई करूँगा कि आने वाले 15 मिनट में आपको इकोलॉजी का चैप्टर, जी हाँ, द लास्ट चैप्टर ऑफ इकोलॉजी, डेट इज़ एनवायरमेंटल इशू, उसके बारे में कुछ हाई यील्डिंग फैक्ट्स बताऊँ और उन्हें कॉन्सेप्चुअली आपके दिमाग में सेट कर दूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा एनवायरमेंटल इशू चैप्टर, जो कि बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 16 है। तो चलिए एनवायरमेंटल शुरू स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इन ईयर्स में कन्फ्यूज रहते हैं कि एयर पॉल्यूशन एंड कंट्रोल एक्ट कब आया था, वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट कब आया था, है ना, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, नॉइज़ पॉल्यूशन और एयर अमेंडमेंट एक्ट कब आया था। तो देखिए, इनकी ट्रिक है, हमने बायोलॉजी में पढ़ा है आर्टरीज एंड वीन्स, वीन एंड वीन, W A E N, इट साउंड्स वीन, तो WAEN, और फिर W के आगे लिख दीजिए आप 74, 81, 74, A के आगे लिख दीजिए 81, E के आगे 86, N के आगे 87, तो वेन 74, 81, 86, 87। देखिए 74 से 81 सात साल का गैप, 81 से 86 पांच का गैप, और 87, ठीक है। तो वेन 74, 81, 86, 87, ये अपन का क्लियर हो गया। चलिए फटाफट फटाफट हाई यील्डिंग फैक्ट्स देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के बारे में बात है कि इच कैन रिमूव 99% पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट इन एग्जॉस्ट फ्रॉम अ थर्मल पावर प्लांट, और जो वेलोसिटी ऑफ एयर होती है बिटवीन द प्लेट्स मस्ट बी लो इनफ, कम होनी चाहिए, जिसकी वजह से जो डस्ट है वो नीचे सेडिमेंट कर दे। अगर वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी तो डस्ट भी उनके साथ उड़ जाएगी और वो हम सेपरेट आउट नहीं कर पाएंगे, फिल्टर नहीं कर पाएंगे। अब स्क्रबर क्या करता है, स्क्रबर कैन रिमूव गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, ठीक है। अब ये बहुत अच्छी लाइन है कि CBCP, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार, पार्टिकुलेट साइज 2.5 माइक्रोमीटर और लेस इन डायमीटर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द ग्रेटेस्ट हार्म टू ह्यूमन हेल्थ, दीज फाइन पार्टिकुलेट्स कैन बी इनहेल्ड डीप इन टू द लंग्स, ठीक है। इसमें हमें याद क्या रखना है, साइज कितना है 2.5 माइक्रोमीटर या इससे कम, और CPCB की फुल फॉर्म याद रखनी है, ठीक है। अभी हमें कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में याद रखना है कि कैटालिटिक कन्वर्टर जो होते हैं उनको अनलीडेड पेट्रोल यूज करनी चाहिए, क्योंकि लेड इन द पेट्रोल इनएक्टिवेट्स द कैटलिस्ट, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में। नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में बताइए, 81 ये DB आ गया, ये डेसीबेल होती है, ठीक है। अब देखिए, आपको ये याद रखने हैं कि यूरो 3 नॉर्म्स के अनुसार जो सल्फर और हाइड्रोकार्बन इन सब की जो कंसंट्रेशन है पेट्रोल और डीजल में वो कितनी है, तो ये हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। ये आप सब 150 ppm इन पेट्रोल है, 350, तो ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। देखिए ये रटने वाला चैप्टर है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ, फटाफट से अब आपको ये समझाना पड़ेगा, ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए, फिश किल एंड डिसअपीयरेंस ऑफ क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म, यानी वाटर बॉडी में मछलियाँ मर रही हैं और उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिट हो रहा है, वो ऑर्गेनिक मैटर को क्लीन करने के लिए अलग अलग डीकम्पोजर बैक्टीरिया वगैरह काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन यूटिलाइज कर रहे होंगे, तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन की जो यूटिलाइजेशन है वो बहुत बढ़ गई। वो किन के द्वारा बढ़ गई, डीकम्पोजर्स बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कैसे हैं, बायोलॉजिकल हैं, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब
the oxygen required by various biological organisms for their biological mechanisms is known as BOD. तो जब ज़्यादा बैक्टीरिया काम करेंगे डिकम्पोज करने में तो ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन भी उन्हें ज़्यादा लगेगी और उससे BOD बढ़ जाएगा। तो देखिए ये BOD जो ब्लू कलर से बना है वो यहाँ पर बढ़ा हुआ है, ठीक है, और डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो कम है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का कंजप्शन बहुत ज़्यादा है। अब जैसे जैसे रीअपीयरेंस ऑफ क्लीन वाटर ऑर्गेनिजम्स है, तो जैसे जैसे रीअपीयरेंस होने लगा क्लीन वाटर का, तो यानी वैसे वैसे बैक्टीरिया डिग्रेडेशन डिकम्पोजिशन का काम नहीं कर रहे अब, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, तो वी हैव सफिशियंट ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ गई और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो गई, क्योंकि जो इस ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं उनकी कमी हो गई, अब ज़रूरत नहीं है उनकी, ठीक है। तो ये ग्राफ आप समझ गए। चलिए ये आइकॉर्निया क्रेसिपस के बारे में इम्पोर्टेंट लाइन है कि मॉव कलर्ड फ्लावर्स फाउंड ऑन वेरी अपीलिंगली शेप्ड फ्लोटिंग प्लांट्स इन वाटर बॉडीज। अब ये इंडिया में किस लिए लाए गए थे? बिकॉज ऑफ देयर लवली फ्लावर्स, ये कैरेक्टर था। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि किस कैरेक्टर की वजह से आइकॉर्निया क्रेसिपस को इंडिया में इम्पोर्ट किया गया था? ड्यू टू देयर लवली फ्लावर्स। अब इनके बारे में एक गलत बात ये हो गई कि चूँकि यहाँ पर इंडिया में ये नए थे, तो इनका जो नेचुरल प्रेडेटर था वो यहाँ प्रेजेंट नहीं था, तो इसकी वजह से क्या हुआ, उनकी एक्सटेंसिव ग्रोथ हो गई यहाँ पर, और इसकी वजह से फौना फ्लोरा जो वाटर में रहती थी उनकी डेथ होने लगी। और बंगाल में ये ज़्यादा हुआ था, बंगाल में इसके देखे गए। इस प्लांट को टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, टेरर ऑफ बंगाल। अब देखिए ये जो बायोशन ऑफ DDT इन एन एक्वाटिक फूड चेन में, ये जो आपको DDT की कंसंट्रेशन दे रखी है ये इंपॉर्टेंट है। इसको याद कैसे करेंगे बच्चे, कई बार भूल जाते हैं, तो इसकी देखिए अच्छी सी ट्रिक है हमारे पास। देखिए वाटर में सबसे पहले DDT कितनी है, 0.003 पार्ट्स पर बिलियन, मिलियन नहीं है, PPM नहीं है, PPB है, ध्यान से देखिए, मैंने इसलिए इसको सर्कल कर रखा है, PPB, ठीक है। तो अब देखिए डेसिमल बाद दो जीरो हैं और फिर 3 है, जैसे ही ज़ूप्लैंक्टन पर आए डेसिमल के बाद 10 है और 4 है, ठीक है, डेसिमल के बाद 20, फिर डेसिमल के बाद 10, फिर डेसिमल के बाद कोई जीरो नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ है 3, यहाँ है 4, यहाँ है 5, 3, 4, 5, और डेसिमल के बाद 20, 10, कोई जीरो नहीं। अब फिर लार्ज फिश की बात आ जाती है, तो लार्ज फिश में DDT आ गया 2, उसके बाद 25, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी याद करने में, ठीक है। देखिए जो हाई कंसंट्रेशन ऑफ DDT है, DDT की पहले बात फुल फॉर्म लिख लीजिए, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। आप सभी ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है तो आप सभी को पता होगा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। इसकी हाई कंसंट्रेशन हो जाती है तो ये क्या करता है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर देता है बर्ड्स में। इसकी वजह से क्या होता है, उनका जो एग्शेल होता है उसकी जो लाइनिंग है वो चूंकि कैल्शियम की बनी होती है और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा, तो एग्शेल की लाइनिंग थिन होने लगी, उसकी वजह से एग के अंदर जो बच्चे हैं उनका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पा रहा और उनकी एग शेल की जो एग है उसकी प्रीमैच्योर ब्रेकिंग हो गई, उसकी वजह से जो बर्ड की पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन कर गई। ये DDT वगैरह ये सब ह्यूमन के जो पेन रिलीवर्स होते हैं ना उसमें इसकी कंसंट्रेशन होती है, डाइक्लोफिनेक इन सब की, तो इससे क्या होता था जैसे ह्यूमन मर जाते थे तो इनको फिर वल्चर खाते थे, तो वल्चर के अंदर ये आ जाता था ये सारे केमिकल्स, तो इनकी वजह से उनकी डेथ होने लगी थी, ऐसा भी है, ठीक है। अब देखिए एक खास बात है कि यंग लेक का जो वाटर होता है वो कोल्ड होता है और क्लियर होता है, तो कोई भी अगर लेक है उसका अगर वाटर कोल्ड और क्लियर है तो इसका मतलब वो नई है, इन कंपैरिजन विद द लेक हुज वाटर इज क्वाइट वार्मर एंड अनक्लियर, ओके। एक बात यहाँ देख लीजिए, ये बॉग क्या होता है, तो लार्ज मास ऑफ फ्लोटिंग प्लांट इज नोन एज बॉग, ठीक है। अब देखिए अब एसिडिफिकेशन जो वाटर बॉडीज को पॉल्यूट करता है, जो कंटेमिनेट करता है
वो सब्सटेंस कौन कौन से हैं, द प्राइम कंटेमिनेंट्स आर नाइट्रेट्स एंड फोस्फेट्स। ये आपको लाइन ध्यान रखनी है, नाइट्रेट्स एंड फोस्फेट्स आर द प्राइम कंपोनेंट ऑफ वाटर पोल्यूशन, ठीक है। अब ये केस स्टडी तो आप सभी पढ़ते ही हैं कि इसमें जानने का यही है, अरकाटा में अरकाटा टाउन था वो कहाँ पर है, नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया पर है, कोलैबोरेटिंग विद बायोलॉजिस्ट फ्रॉम द हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है। इट हैज़ अ सीरीज ऑफ 6 कनेक्टेड मार्शेज ओवर 60 हेक्टेयर्स ऑफ मार्श लैंड और अ सिटीजन ग्रुप कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ अरकाटा मार्श फोम आर रेस्पॉन्सिबल। तो ये चीज़ें आप सभी को ध्यान है। एक खास बात, इको सैंड टॉयलेट्स कहाँ पर हैं, अभी केरला और श्रीलंका में, तो ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। सॉलिड वेस्ट इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज अपना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट दे देती हैं, ठीक है। केस स्टडी प्लास्टिक वेस्ट का देख लीजिए, अहमद खान साहब हमारे आ चुके जो अभी तक 57 इयर्स ओल्ड के ही, हमारे टाइम भी 57 इयर्स के थे, आपके समय भी 57 इयर्स के ही थे। तो खैर छोड़िए, ये आपको याद रखना है, क्या क्या याद रखना है, फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक विच वॉज मिक्सड विद बिटुमिन टू ले रोड्स, ठीक है। कोलाबोरेट किसके साथ किया था, आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड द बेंगलोर सिटी कॉर्पोरेशन, ठीक है। इसकी वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। उसके बाद हमारे रमेश चंद्र डगर साहब आ जाते हैं, फार्मर इन सोनीपत, ऑर्गेनिक फार्मिंग करी थी उन्होंने, उन्होंने फिर अपने साथ में ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ साथ जो कैटल रियरिंग था वो भी स्टार्ट कर दिया था, तो उन्होंने काफ़ी एक्सटेंसिव वे में अपनी फार्मिंग करी थी। और फिर उन्होंने डागर एस क्रिएटेड द हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब विच इज अ करंट मेंबरशिप ऑफ 5000 फार्मर्स। अब रेडियोएक्टिव वेस्ट की बात अगर हम कर लें तो द फर्स्ट एक्सीडेंटल लीकेज एज अकर्ड इन 3 माइल आइलैंड इन चेर्नोबिल इंसिडेंट, ठीक है। तो 3 माइल आइलैंड कहाँ पर है, पेंसिल्वानिया में, और ये हुआ था 1979 में, ठीक है, पेंसिल्वानिया इन 1979। और चेर्नोबिल कहाँ पर था, यूएसएसआर में इन 1986। यूएसएसआर की फुल फॉर्म आप सब ढूंढेंगे, ये अभी आज के टाइम पर रशिया का पार्ट है, ठीक है। चलिए अब ग्लोबल वार्मिंग, तो देखिए यहीं पर इस डायग्राम में ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ, इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती हैं ग्रीन हाउस गैसेस, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कौन सी गैस वेव्स को, लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशंस को, ठीक है। अर्थ का अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो टेम्परेचर कितना रहता, -18 डिग्री सेल्सियस रेदर देन प्रेजेंट एवरेज ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर ग्रीन हाउस गैसेस CO2 60, मीथेन 20, CFC 14, N2O 6, ठीक है, 60 20 14 6, ऐसे याद कर लीजिएगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड 60%, उसके बाद मीथेन कितना है 20%, अब 20 मीथेन है और CFC 14 है, इन दोनों में गैप कितना आ गया 6 का, तो N2O बचा 6%। ये खास बात है कि ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी द टेम्परेचर ऑफ अर्थ हैज इंक्रीज्ड बाय 0.6 डिग्री सेल्सियस, मोस्ट ऑफ इट ड्यूरिंग द लास्ट 3 डिकेड्स। ये एल नीनो इफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्रिसमस के टाइम पर होता है, ठीक है, मेल्टिंग ऑफ पोलर आइसबर्ग अकर्स, ठीक है। चलिए ये क्या हो जाता है बार बार, चलिए 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 जल्दी, हाँ जी, ओजोन डिप्लीशन देख लीजिए, बैड ओजोन ट्रोपोस्फीयर में प्रेजेंट होती है, गुड ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होती है, एंड इट एक्ट्स एट अ शील्डिंग एब्जॉर्बिंग यूवी रेडिएशन फ्रॉम द सन, ठीक है। तो हमें याद क्या रखना है, बैड ओजोन कहाँ होती है, ट्रोपोस्फीयर में, और गुड ओजोन होती है स्ट्रेटोस्फीयर में। और अमाउंट ऑफ ओजोन को हम किस में मेजर करते हैं, डॉब्सन यूनिट DU, ठीक है। अब ये जो फिगर 16.8 दे रखी है, इसमें खास बात क्या है कि ओजोन होल इज द एरिया अबव एंटार्क्टिका एंड इट डेवलप्स ईच ईयर बिटवीन लेट अगस्त एंड अर्ली अक्टूबर, ध्यान क्या रखना है, लेट अगस्त एंड अर्ली अक्टूबर, लेट अगस्त अर्ली अक्टूबर, लइयो लइयो, ठीक है, लेट अगस्त एंड अर्ली अक्टूबर, लेट अगस्त एंड अर्ली अक्टूबर, ध्यान रखना है।
ये CFC आप सब 10th का लेवल है, ये आप पढ़ चुके हैं। खास बात अब यहाँ रखनी है कि जो UBV है वो क्या करती है, स्नो ब्लाइंडनेस कर देती है, ठीक है। स्नो ब्लाइंडनेस क्या होती है इसके बारे में आपको बिल्कुल नहीं जानना है, क्योंकि आपके पास और भी काफ़ी चैप्टर्स हैं जानने के लिए जिसमें आपको डिटेल में जानना है। इसमें जितना जानने लायक है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हाई डोज ऑफ UVB कॉजेज इन्फ्लेमेशन ऑफ द कॉर्निया कॉल्ड एज स्नो ब्लाइंडनेस, ठीक है। स्नो ब्लाइंडनेस क्या होती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया, बस। उसके बाद आप मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे आ जाते हैं, 1987 में इसको साइन किया गया था और इफेक्टिव था 1989 में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, 1987 1989। चलिए अब देखिए, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसके फायदे तो बहुत हैं, लेकिन उसके अगर आपसे कोई नुकसान पूछ ले तो क्या नुकसान बताएंगे आप? वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सलाइनिटी आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट हैव कम इन द वेक ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सलाइनिटी। चलिए अब डिफॉरेस्टेशन में ये आप डाटा देख लीजिए कि 40% फॉरेस्ट हैव बीन लॉस इन ट्रॉपिक्स कंपेयर्ड टू ओनली 1%। इसमें कुछ समझाने का नहीं है, ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है इसे आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। उसके बाद जो रिफॉरेस्टेशन की बात आई, तो रिफॉरेस्टेशन के बारे में जो हमारी ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट है उसका वो ये है कि एवरी ईयर हम वन महोत्सव सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। वन महोत्सव हमारे इंडिया में 1950 से चला आ रहा है। वन महोत्सव हमारे इंडिया में कब से चला आ रहा है, 1950 से। और इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स को उगाते हैं, है ना फ्रेंड्स। और वन महोत्सव कब कब प्लांट करते हैं हम उसको, बिटवीन जुलाई एंड फेब्रुअरी। हम प्लांटेशन कब तक करते हैं, बिटवीन जुलाई एंड फेब्रुअरी, ठीक है फ्रेंड्स। वन महोत्सव हो गया हमारा। अब ये केस स्टडी देख लीजिए, अमृता देवी जी ने क्या किया था, ये स्टोरी आप जानते ही हैं, ठीक है। खास बात ध्यान रखनी है कि अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद चिपको मूवमेंट ऑफ गढ़वाल हिमालयाज 1974 में, तो चिपको मूवमेंट के जो लीडर थे वो थे हमारे सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। जब चिपको मूवमेंट गढ़वाल हिमालयाज में हुआ तो उसी टाइम पर सदर्न इंडिया में एक अपिको मूवमेंट हुआ, ये मैंने यहाँ लिख रखा है, अपिको मूवमेंट। अपिको मूवमेंट किसने किया था, पांडुरंग ने, किसने किया था, पांडुरंग ने। पांडुरंग इन्होंने किया था, पांडुरंग ने, ठीक है, पांडुरंग ने किया था अपिको मूवमेंट, ठीक है। अब ये जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट आप सभी को पता ही है। खास बात क्या है कि फर्स्ट जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1988 में स्टार्ट हुई थी, और किस स्टेट में सबसे पहले इसको इनेक्ट किया था, उड़ीसा में, ठीक है। चलिए समराइज कर दिया, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। ये कुछ हाई यील्डिंग फैक्ट्स थे जो आपको मस्ट हैं याद रखने के लिए इस चैप्टर से, और मेरे को नहीं लगता कि मैंने इसमें कुछ फालतू का बताया है, और बल्कि कुछ एक्स्ट्रा ही बताया है आपको अच्छे से रिलेट करके, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। मेरा खुद का चैनल है इटर्नल बायोलॉजी बाय गौरव शर्मा, वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसे भी आप विज़िट करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।